12 जून को तेलोड़िया अखाड़ा मैदान में एक जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शुक्रवार को मुखिया सबीर आलम की आवाज पर एक बैठक की गई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बताया गया कि इस जलसे में हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम ट्रस्टनल बोर्ड कोलकाता मगरीबी बंगाल, हजरत मौलाना इरफान साहेब मुबलिक दारुल उलूम देवबंद यूपी, शायरी रसूल जनाब दिल खैरा वादी यूपी से तशरीफ ला रहे हैं। जलसा कमेटी तेलुडी की ओर से कहा गया कि जिस तरह हमारे समाज में बुराइयां फैलती जा रही, शादी विवाह दहेज के कारण परेशानी का सबब बनता जा रहा है। शादियों में डीजे पटाखे, लड़के लड़कियां इस्लाम के रास्ते से भटक रही है और ना जाने कितने तरह तरह के कितने फसाद सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए जलसा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस जलसे में औरतों की शिरकत पर भी जोर दिया गया है। औरतें भी इस जलसे में शरीक हो पाएगी, इसके लिए पर्दे की एहतमाम किए जाएंगे। इस बैठक में झामुमो के युवा नेता फजल इम्तियाज अहमद, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, कांग्रेस के हसनैन अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, समाज सेवी मोहम्मद इस्तियाक उर्फ लालो, अली सुलेमान उर्फ पप्पू, मोहम्मद सनी, मुखिया सबीर आलम सहित कई गणमान बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टर यहां अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयां यहां मिलती हैं या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं, कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोडो। यहां दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहां धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म कुष्ठ गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, बेंगलुरु से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता राय, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।